हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना सिंह। मेरे चैनल द फूड प्लाजा में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू, जो हमारे इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं। और आज के इंग्रेडिएंट्स हैं गोंद, आटा, पीसी हुई चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, घी, थोड़ी इलायची पाउडर। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई को चढ़ा देंगे और कुछ देर कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 5 चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होने के बाद हम उसमें अपने गोंद को डाल देंगे। गोंद को मीडियम हीट पर ही धीरे धीरे फ्राई करेंगे। लगातार चलाते हुए जब तक ये गोंद डबल साइज में ना हो जाए। गोंद के फ्राई हो जाने के बाद हम उसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में ही 3 चम्मच घी डालेंगे। घी की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब गेहूं के आटे को घी में ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। आटा को अच्छे से मिला लेंगे घी में, ताकि उसमें कोई भी गुठली ना पड़े। फिर बाकी बचे आटे को भी मिला देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही आटे को अच्छे से बिना गुठली के अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम गोंद को एक मैशर की हेल्प से हल्के हल्के दबाते हुए मैश करेंगे। आप ग्लास या किसी भारी तले की चीज से भी इसे मैश कर सकते हैं। हल्का ही मैश करें, जिससे उसमें क्रंच बना रहे। भुने हुए आटे को गोंद वाले बर्तन में ही निकाल लें। ध्यान रखें, आटे को इतना भुने उसमें से सौंधी सी खुशबू आने लगे। अब कढ़ाई को गरम करके उसमें 2 चम्मच घी डालें और अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लें। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के रख सकते हैं। आप इसमें मेलन सीड्स, मखाना, नारियल का बुरादा सबको हल्की फ्राई करके पीस के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कम ही ड्राई फ्रूट्स का यूज किया। सभी चीजों को मिलाने के बाद पीसी हुई चीनी को भी एक साथ मिला दें। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर की मिला दें। अब सारी चीजों को अच्छे से एक साथ मिला लें। सर्दियों में गोंद के लड्डू को बनाते हैं, यह जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम इसमें घी मिला देंगे। घी की मात्रा उतनी होनी चाहिए जिससे हम लड्डुओं को बाइंड कर सकें। घी को अच्छे से मिलाएं। लड्डुओं को बांध कर देखें कि वो बंध रहे हैं या नहीं। अगर लड्डू नहीं बंध रहे हैं
तो उसमें घी की मात्रा और डालें। अभी लड्डू बन रहे हैं। अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर घी से लड्डू बना लें। तो लीजिए अब हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। उतने आटे से हमने अप्रॉक्स 25 लड्डूएं बनाई हैं। चलिए हम अपने लड्डुओं को सर्व करते हैं। इन्हें गार्निश करने के लिए आप बादाम और काजू के इस प्रकार से टुकड़े काट सकते हैं और इन्हें इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में भी गार्निश कर सकते हैं। तो अब हमारे हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।